हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। एमबीपीएससी, एसएससी, व्यापम, यूपीएससी, राजस्थान पीएससी, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ये मेरा करंट अफेयर का वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं मई 2019 डेली करंट अफेयर की। इसके प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको मई 2019 के सभी करंट अफेयर आप लोगों को मिल जाएंगे। उसी के साथ आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। आप मेरे इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मेरी वेबसाइट yoursivilsarthi.com पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेरे सोशल मीडिया का लिंक्स दिया हुआ है। अभी जब आप डाउनलोड करने जाएंगे पीडीएफ, तो वहां पर भी आपको जो पीडीएफ है उसके अंदर ये लिंक्स हैं वो एक्टिव मिलेगी। जाकर इसके ऊपर क्लिक करके सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और लिंक आप वहां पे देख सकते हैं। तो उसके अलावा अभी एमपीपीएससी के लिए मैं अपना प्लस कोर्स जो है वो आज से लॉन्च होने वाला है। आज 25th of मई, और आज से जो है मेरा कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। एमपीपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन लॉन्च होने वाला है। अभी उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेरा जो कोड है योर सिविल सारथी, उस कोड का उपयोग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको तुरंत 10% डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मैं आपको 10% डिस्काउंट अलग से प्रोवाइड करूंगा। दैट इज यू विल गेट टोटल 20% डिस्काउंट ऑन प्लस कोड। 10% अन अकेडमी देगी, 10% मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरा कोड यूज करने के बाद आप मुझे जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, या आपने मेरे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर जाकर जो है मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। देन मैं आपको रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको पे कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, 23rd and 24th of May 2019 का करंट अफेयर। अभी पहली खबर की बात करें तो जोको अल्हार्दी जो है उन्होंने मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 जो है वो यहाँ पे जीत लिया है। शी वॉज बिलोंग टू ओमान, ओमान से बिलोंग करती हैं और उनको ये अवार्ड मिला है। ओमान की पहली नागरिक है जिनको ये अवार्ड मिला है। उनका जो बुक था उसका नाम था सेलेस्टियल बॉडीज नाम की एक बुक थी, जिसके लिए उनको इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज जो है मान बुकर प्राइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अवार्ड है, ये जैसे आप साथ में ओमान आपको दिख रही है, तो ये उनकी ट्रांसलेटर है। इन्होंने ओमान के अंदर उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर बुक लिखी थी, लेकिन बाद में एक यूके के ट्रांसलेटर थी उसके द्वारा फिर उन्होंने उनको ट्रांसलेट करवाया। मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ की बात करें तो ये सेम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है मैनग्रोव, जो मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन जो मेन अवार्ड होता है वो प्रोवाइड करता है। सेम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपका इंटरनेशनल मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो प्राइज है वो प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर मेन चीज यहाँ पर ये है कि जिस भी बुक को अवार्ड मिलता है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर पब्लिश होना जरूरी है इन द लास्ट वन ईयर, और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट होना चाहिए। मतलब कि किसी और लैंग्वेज के अंदर है तो चलेगा, लेकिन उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो साथ में एक और मैम दिख रही है, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और इनको जो भी प्राइज इसका मिला है इन्होंने हाफ ऑफ प्राइज यहाँ पर इसके अंदर आधा प्राइज उनको भी वहाँ पर दिया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ अब यहाँ पे फुल हो गया है। पिछले कई समय से मुद्दा चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो फुल नहीं है, जजों की संख्या कम है। अभी जजों की संख्या जो है वो 31 वहाँ पर टोटल जो अप्रूव स्ट्रेंथ है वो हो गई है, क्योंकि 4 नए जजेस जो है उन्होंने यहाँ पे अपना जो पद है, पद की शपथ यहाँ पे लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 30+1, मतलब 30 जजेस और प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये पूरा अपॉइंटमेंट यहाँ पर अभी हो गया है। और रिटायरमेंट का एज आपको पता है 65 ईयर सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट की होती है। और एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो थी 7+1, मतलब 7 जो है आपके जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी बढ़ा के वो 30+1 हो गई है। टाइम टू टाइम पार्लियामेंट जो है वो उसको इंक्रीज अपने हिसाब, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकता है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स पायलट जो है कॉम्बैट मिशन के लिए अभी यहाँ पर पहली महिला जो है यहाँ पर रेडी हो गई है, एंड हिज नेम इज द भावना खान। तो अभी तक इसके पहले भी कई सारी वुमेन जो है, जैसे हमने अवनी चतुर्वेदी एमपी की थी, वो उसके लिए रजिस्टर्ड हुई थी, उसके लिए एलिजिबल हुई थी, लेकिन वो कॉम्बैट मिशन के लिए नहीं थी। कॉम्बैट मिशन का मतलब होता है कि आप युद्ध के लिए मिशन के ऊपर या युद्ध के लिए आप जो मैदान है उसके अंदर जा सकते हैं। तो कॉम्बैट मिशन के लिए इसका पूरा ट्रेनिंग हुआ, उस ट्रेनिंग के अंदर इनको यहाँ पे अभी एलिजिबल पाया गया कि ये अब कॉम्बैट मिशन के ऊपर फाइटर जेट लेके अपना जा सकती हैं। ठीक है, नाम है भावना खान। तो भावना खान जो है 2017 के अंदर, नवंबर 2017 के अंदर पहला वुमन का बैच जब स्टार्ट हुआ ऑफ द फाइटिंग स्क्वाड्रन, उसके अंदर शामिल किया गया, और अभी ये एलिजिबल वहाँ पर हो गई हैं कि ये कॉम्बैट मिशन के ऊपर भी, जैसे
बाकी मेल काउंटर पार्ट चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान पर हमला करना है कहीं और करना है, तो उसके लिए यहाँ पर वो जा सकती है। ठीक है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम है ना, ये इन्होंने MiG-21 जो बाइसन है उससे मार्च 2018 के अंदर वहाँ पे उन्होंने फ्लाइट लिया था, और उसके बाद जो मतलब MiG-21 अकेले उड़ाना एक महिला के लिए इसके पहले पॉसिबल नहीं था, कोई महिला उड़ा नहीं पाई थी, और इन्होंने फिर वो चीज़ वहाँ पर भी कर दिखाई थी। ओके अगली खबर की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन 2019 जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं। वैसे इसके लिए ऊपर एक पूरा मैं डिटेल लेक्चर लाने लाऊंगा, पूरा उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस में करने वाला हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग जो है एनडीए जो है मतलब आपका भाजपा लेड एनडीए उसको 350 सीट्स मिली है, यूपीए को 82 सीट्स और अदर जो है उनको 85 सीट यहाँ पे मिली है। तो अगर सीट्स की बात करें तो भाजपा को इंडिविजुअल जो है 303 टोटल सीट मिली है, कांग्रेस गॉट 52, डीएमके द्रविड़ मुनगरगम 23 सीट, एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22, वाईएसआर कांग्रेस 22, शिवसेना 18, जेडीयू 16, ऐसे करके सीट्स मिली है। ये टॉप टीम जो पार्टीज हैं जिनको यहाँ पे सीट्स मिली है। ये इमेज आपको दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जब अपने लोग जो बीजेपी का ऑफिस है उसके अंदर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। तो ये इलेक्शन जो है 17th लोकसभा 17वीं लोकसभा के हुए थे। कुछ ऐसा अभी आपका भारत का मैप अब दिखता है जहां पर ग्रीन कलर ये जो भगवा कलर है ये रिप्रेजेंट करता है भाजपा को। तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है भाजपा ने हासिल की है। उसके अलावा चार विधानसभा जो है उनके भी इलेक्शन हुए, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी को 40 सीट मिली और अपनी सरकार उन्होंने वहां पे अब बनाएंगे। जेडीयू गेट 7 सीट, एनपीपी 5 सीट। ठीक है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो टीडीपी को लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा एंड ऑल दैट, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस जो है वो 151 सीटों के साथ में अभी सबसे आगे है, और अभी वो सब अपनी जो सरकार है वो बहुत ही जल्दी बनाने वाला है। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी जो अभी पूरे इंडिया के अंदर चंद्रबाबू नायडू कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया जाए, लेकिन उनके खुद के जो सीट है वहां पे लाले पड़ गए हैं। अगले स्टेट है उड़ीसा, जहां पर भी विधानसभा इलेक्शन हुए, जहां पर 112 सीट जो है बीजेडी बीजू जनता दल को ही, जो नवीन पटनायक जिसके प्रमुख हैं, बीजेपी गॉट 23 सीट एंड कांग्रेस गॉट 9 सीट, जबकि सिक्किम के अंदर जो सिक्किम की एसकेएफ है उसको 17 सीट मिली है, जबकि एसडीएफ जो है उसको 15 सीट मिली है। तो अभी यहाँ पर जो 17 सीट मेजोरिटी के चाहिए वो सिक्किम को एसकेएम जो पार्टी है उस पार्टी को यहाँ पे मिल गई है। तो ये थे चारों विधानसभाओं के और लोकसभा इलेक्शन का शॉर्ट एनालिसिस, आगे डिटेल के अंदर मैं उसको आगे आपके लिए लेने वाला हूँ। अगली खबर की बात करें तो ब्रह्मोस जो है उसका एयर लॉन्च जो है वहाँ पे Sukhoi-13 के द्वारा यहाँ पे किया गया, और Sukhoi-13 के अंदर उसको फिट किया गया आपके ब्रह्मोस को, उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया। इट इज 2.5 टन सुपरसोनिक एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है कि हवा से जो है सरफेस के अंदर मार यहाँ पे कर सकती है। अभी एयर टू एयर मार ब्रह्मोस ने इसके पहले ट्राई किया था तो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन अभी एयर टू सरफेस वहाँ पे वो ट्राई करेगा जहाँ पे 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है आपके ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप की गई है, और 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये जाके अटैक कर सकती है। ठीक है, तो ये एक काफी बड़ा बूस्ट है इंडियन आर्मी के लिए, और नेवी और इंडियन आर्मी दोनों ने मिलके जो है सॉरी नेवी और आपका एयरफोर्स ने मिलके इसको पूरा अंजाम दिया है। तो ब्रह्मोस के अलग अलग वेरियंट जो है वो अवेलेबल हो गए हैं। अगली खबर की बात करें तो किड्स राइट इंडेक्स 2019 जो है वो लॉन्च हुआ, जिसके अंदर इंडिया जो है उसको 117वां रैंक यहाँ पे मिला है, और ये बेसिकली कि बच्चों से रिलेटेड जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको मेजर करके यहाँ पे ये अवार्ड यहाँ पे मतलब ये रैंक यहाँ पे डिसाइड की जाती है। इसके अंदर टॉप के ऊपर जो है आइसलैंड है, आइसलैंड जो कंट्री यूरोप के अंदर है, इट फॉलोड बाय द पोर्टुगल, पोर्टुगल जो है वो दूसरे स्थान के ऊपर है। पांच पैरामीटर इसके अंदर मेजर किए जाते हैं, पहला है राइट टू लाइफ, सेकेंड इज राइट टू एजुकेशन, थर्ड इज राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रोटेक्शन एंड इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर चाइल्ड राइट। ये पांच इंडिकेटर्स जो हैं जिसके अंदर जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संरक्षण का अधिकार, और पर्यावरण को सक्षम बनाना, बच्चों के लिए सक्षम बनाना। तो ये पांच फैक्टर्स के ऊपर ये चाइल्ड राइट जो है जो चाइल्ड इंडेक्स है वो डिपेंड करता है। ओके, अगली खबर की बात करें तो WHO जो है उसने अल्जीरिया और अर्जेंटीना इन दोनों कंट्रीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। अभी ये दोनों जो कंट्रीज हैं
वो लगातार यहाँ पे लगे हुए थे कि उनको यहाँ पे मलेरिया फ्री स्टेटस मिल जाए। तो अल्जीरिया जो है उसमें 2013 के बाद अभी तक कोई भी केस नहीं हुआ है आपके मलेरिया का, और अर्जेंटीना के अंदर 2010 के बाद अभी तक कोई केस यहाँ पे नहीं हुआ है। अल्जीरिया जो है वो सेकेंड कंट्री है जिसको ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला है आफ्टर मॉरिशस। मॉरिशस को 1973 के अंदर ये स्टेटस दिया गया था, जबकि अभी आपका जो यूरोप जो पराग्वे है उसको जून 2018 के अंदर स्टेटस दिया गया था। उसके बाद अभी अर्जेंटीना को यूरोप के अंदर ये जो है सॉरी अमेरिका जो साउथ अमेरिका है उसके अंदर ये स्टेटस मिला है। अभी अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वर्ल्ड के 92% मलेरिया केसेस जो है वो अफ्रीका के अंदर मिलते हैं, जबकि 93% ऑफ द मलेरिया डेथ जो है वो अफ्रीका के अंदर यहाँ पे होती है। एंड अभी सबसे ज्यादा हाई शेयर जो है, सबसे ज्यादा मलेरिया डेथ जो है वो अफ्रीका के अंदर होती है, जिसके अंदर चार जो कंट्री हैं, एक है नाइजीरिया जिसके अंदर 25% जो है वो टोटल वर्ल्ड में मलेरिया केसेस और डेथ का शेयर करता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 11%, मोजाम्बिक 5%, युगांडा 4%। तो ये चारों कंट्री मिलकर सबसे ज्यादा उसके मलेरिया के केसेस जो है इन कंट्रीज के अंदर यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये चार टॉप कंट्रीज आप याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू के अंदर कुछ आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने एक नया मिसाइल, इट्स नेम इज शाहीन, उसको उसने यहाँ पे लॉन्च किया है। ही लॉन्च द शाहीन सेकेंड, उसने लॉन्च किया है कैरिबियन सी के अंदर, उसने अपना टेस्ट किया वो टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल यहाँ पे रहा था। ठीक है, तो शाहीन जो नाम है बेसिकली वहां पर जो पाकिस्तान माउंटेन्स है उसके अंदर जो हिंदू कुश माउंटेन्स है वहां पर एक फाल्कन करके एक बर्ड मिलता है, फाल्कन बर्ड मिलता है जिसका नाम शाहीन है, तो उसके नाम से उन्होंने ये अवार्ड जो ये अपना मिसाइल है उसका नाम यहाँ पर रखा है। इट्स लिंक्ड विद सुपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल, जो अभी भारत के कई शहर जो है इसके कब्जे के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, और इसका जो एक्चुअल टारगेट रेंज है वो है 1500 से 2000 किलोमीटर। तो भारत के काफी सारे जो सिटीज हैं वो इस रेंज के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। खैर मोदी है तो मुमकिन है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक डेटरेंस के लिए अपने जो विरोधी हैं उनको डराने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट वगैरह करता रहता है। अगली खबर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम को उसने बोला है कि जो चागोस आर्किपेलगो है इन द मॉरिशस के अंदर वो वापस वो मालदीव को वहाँ पे सॉरी जो मॉरिशस है उसको वहाँ पे लौटा दे। तो ये मुद्दा थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपका मॉरिशस है वो 1968 के अंदर अभी ब्रिटेन ने इसको आज़ाद किया है ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस 47 में मिला लेकिन मॉरिशस को 1968 के अंदर मिला। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि इसका एक पार्ट था चागोस, ये आपको यहाँ पर मैप के अंदर चागोस आइलैंड यहाँ पर दिख रहा है। तो चागोस आइलैंड जो था अभी उन्होंने उसको उस समय पे मॉरिशस से अलग कर दिया ना, पहले मॉरिशस का पार्ट था, 65 में उन्होंने मॉरिशस से अलग कर दिया, उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस वहां पे दिया। और उसके बाद जो है जब मॉरिशस को आज़ादी 1968 के अंदर दी तो उन्होंने चागोस को आज़ादी नहीं दी कि नहीं चागोस जो है वो एक अलग पार्ट है उसको हम आज़ादी यहाँ पे नहीं दे सकते। उसका 67 से लेकर 73 तक उन्होंने क्या किया कि चागोस के रहने वाले लोग थे उनको वहां से भगा दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाए। और उसके बाद जो चागोस आइलैंड के सबसे उसका जो आर्किपेलागो है पूरा द्वीप समूह है उसका सबसे बड़ा जो पार्ट था डियोगो गार्सिया उसको जो है उन्होंने वहां से सभी चागोस वाले लोगों को भगा दिया, और उसका डियोगो गार्सिया को यूनाइटेड स्टेट को यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि उस समय पे थोड़ा शीत युद्ध वगैरह चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएस का मिलिट्री बेस उन्होंने यहाँ पे बना दिया। अभी उसके बाद जो मॉरिशस है वो जाता है आपके यूनाइटेड स्टेट के पास, मतलब आपका जो यूनाइटेड किंगडम जो है वो जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास में, और अभी वहां पर जाके जो है इसके खिलाफ वहां पे शिकायत दर्ज करता है। और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पर डिसीजन दिया कि अभी इसको जो है चागोस आर्किपेलागो को वापस मॉरिशस को लौटा दिया जाना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड किंगडम अभी भी इसके लिए यहाँ पर उसको देने को तैयार नहीं है। अगली खबर की बात करें तो JF-17 फाइटर जेट प्लान जो है पाकिस्तान अभी यहाँ पर चाइना को देने जा रहा है। अभी आपको जैसे पता है कि F-16 को लेके काफी यहाँ पर मैटर हुए थे, F-16 पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो 27 फरवरी को जो अटैक हुआ था उसके अंदर उपयोग किया था, उसके बाद अमेरिका ने उसको काफी कड़ी चेतावनी दी थी, और उसके अलावा दूसरे कई सारे ऐसे F-16 और पाकिस्तान को मिलने थे लेकिन अमेरिका ने उससे मना कर दिया है। बाकी अभी JF-17 करके एक प्लेन है जो नॉर्मल आपका जो F-16 है उसी के बराबर यहाँ पे दम रखता है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पे चाइना द्वारा दिया जाएगा,
और चाइना मतलब आपका जो पाकिस्तान है वो लगातार खरीदना चाहता है कि उसको F-16 यहाँ पे दे दी जाए, लेकिन 1990s के अंदर, 1990 के अंदर जो है एक एम्बार्गो या फिर जो है वो प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया गया था पाकिस्तान के ऊपर, कि वो विदेशों से अपना जो मटी आपका जो एयरप्लेन वगैरह है वो नहीं खरीद सकता। वो वहां पर अभी भी इम्प्लीमेंट है और उसके कारण पाकिस्तान जो है अमेरिका से खरीद नहीं सकता या दूसरे देशों से खरीद अमेरिका से खरीद नहीं सकता, लेकिन अमेरिका उसको दे सकता है फ्री में यूज करने के लिए अफगानिस्तान में अटैक करने के नाम से। तो ये चीजें वहां पर हो रही है। J-17 जो है अभी उनको वहां पे मिला है। अगली खबर की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने भारत में रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट जो है उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर उन्होंने मंजूरी दी है। तो ये इंडिया के अंदर जो आपका पूरा रेलवे ट्रैक है उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम इससे होगा। टोटल जो प्रोजेक्ट है वो है 750 मिलियन, और ये इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IRFC जो है उसको यहाँ पर ये पैसा यहाँ पे मिलेगा। एडीबी जो है वो 1960s के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, 66 के अंदर, 19 दिसंबर 1966 को, और उसके बाद जो है ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम कर रहा है, जहाँ पर इंडिया के आसपास मतलब जो पूरे एशिया के अंदर कंट्रीज है उन कंट्रीज को यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपका वर्ल्ड बैंक और IMF जो है उनकी काफी कंडीशन टफ होती है रिलेटेड टू आपके फाइनेंस और सब कुछ देने में। तो अभी उसके लिए 1966 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस के अंदर स्थापित है। ओके अगली खबर की बात करें तो 16th लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई है। प्राइम मिनिस्टर अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद उनको जाके अपना इस्तीफा वहां पर उन्होंने सौंपा था। एंड उसके पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई, जिसके अंदर जो है कैबिनेट को भंग कर दिया गया, और कैबिनेट को भंग करने के बाद कैबिनेट ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अंदर लोकसभा को भंग करने का यहाँ पे डिसीजन लिया गया, और राष्ट्रपति को उन्होंने जाके अपना इस्तीफा सौंपा और लोकसभा भंग करने की सिफारिश की, और राष्ट्रपति ने उसको वहां पे एक्सेप्ट कर लिया। अभी लोकसभा भंग हो जाएगी और अभी ऑर्डर निकलेगा, ऑफिशियल ऑर्डर राष्ट्रपति वहां पे जारी करेंगे और उसके बाद लोकसभा भंग हो जाएगी। देन उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नए प्राइम मिनिस्टर को रामनाथ कोविंद वहां पर फिर से शपथ ग्रहण के लिए वहां पर उनको बुलाएंगे, वो शपथ ग्रहण वहां पर आके करेंगे, और शपथ ग्रहण करने के बाद जो है लोकसभा की मीटिंग वहां पर होगी। लोकसभा जो है 16th लोकसभा जो है 3 जून को, 3rd of June को, 3rd of June 2014 को पहला सेशन हुआ था, तो 3 जून 2019 के पहले अगला लोकसभा जो है उसकी मीटिंग करना यहाँ पे जरूरी है। तो 3 जून के पहले यहाँ पे मीटिंग हो जाएगी, सभी सांसदों को शपथ दिला दी जाएगी और लोकसभा अपना सुचारू रूप से अपना काम वहां पे, नई लोकसभा यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। उसी के साथ जो ऑनगोइंग मेंबर्स हैं, जिन मेंबर्स जो पुरानी 16वीं लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके लिए एक बैंकवेट या उनके लिए एक भोज जो है वो भी यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था। अगली खबर की बात करें तो गवर्नमेंट ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पर बैन कर दिया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बांग्लादेश में अंदर और इंडिया के कई एरियाज के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको अंजाम देता था, और उसको जो है अभी यहाँ पे बैन कर दिया है। इसको बैन करने के साथ इसके जितने भी लीडर्स हैं वो सभी लीडर्स जो है यहाँ पे अब सस्पेक्टेड हो गए हैं। अभी इनके जितने भी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट जो है वो वहाँ पे सीज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो किसी भी बैंक में या कोई भी अगर इंटरनेशनल मदद इनको अब यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। ओके अगली खबर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विजय भारती करके एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मेन जो एम यहाँ पर यह है कि इस पोर्टल के ऊपर जाके, विजय भारत पोर्टल के ऊपर जाके वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जाके उनको जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो वहां पर जाके देख सकते हैं। इसका नाम है विजय भारती नरेंद्र मोदी .in। अभी आप यहाँ पर जाके आपको जो भी मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भाजपा पार्टी को देना है वो जाके वहां पर आप दे सकते हैं। तो ये इसके ऊपर लॉग इन करके आप उनको अपना बधाई संदेश दे सकते हैं। तो आज की इस न्यूज के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और साथ ही मेरा जो कोड है योर सिविल सारथी उसका उपयोग करना आप मत भूलिएगा। ठीक है, कोड के अंदर AA नहीं है, कोड के अंदर सिर्फ सिंगल A है, तो ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, योर सिविल सारथी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, तो ये कोड का आप उपयोग करेंगे तो आपको जो है 20% यू विल गेट डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।